आजीवन देश की सेवा इन्होंने की, और जिस संकट से देश को एक बार उबारा था इन्होंने 74 आंदोलन के समय, उससे भी विषम परिस्थिति आज देश के सामने है। और उस परिस्थिति के मद्देनज़र पूरा देश फिर से एक बार बिहार की ओर देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूं आपके साथ कमलेश। आज जेपी की जयंती है, इसको लेकर के जो है उपेंद्र कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा और तमाम जो है नेता मंत्री यहां पे मौजूद थे, और जेपी की जयंती के अवसर पे उन्हें माल्यार्पण भी किए और उनको याद किए, और उन्होंने कहा है कि उनकी जो है उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जो है हम नालंदा जा रहे हैं, इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि क्या वो जो है फरियानी की बात जिस तरह से कही थी कि क्या वो कुश्ती लड़ेंगे, पहले उनकी बातों को सुने वो किस तरह से कह रहे हैं। जयप्रकाश बाबू का आज जन्मदिन है, इस अवसर पे हम सब लोग आज उनको याद करते हैं, देश भर के लोग याद करते हैं, और देश से बाहर भी जो इनके विचारों को मानने वाले लोग हैं उनको याद करते हैं। इनको याद करने से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। देश को एक विशेष संकट से कभी इन्होंने उबारने का काम किया था, निरंतर आजीवन देश की सेवा इन्होंने की, और जिस संकट से देश को एक बार उबारा था इन्होंने 74 आंदोलन के समय, उससे भी विषम परिस्थिति आज देश के सामने है। और उस परिस्थिति के मद्देनज़र पूरा देश फिर से एक बार बिहार की ओर देख रहा है। तो आज की परिस्थिति में जब हम याद करते हैं जेपी को, तो हमको उस आज की विशेष परिस्थिति से लड़ने की ताकत मिलती है। सर, अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं, ये दूसरा दौरा हुआ उनका बिहार का? देखिए, कोई बिहार आवे कहीं जाए इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिस मकसद से वो आ रहे हैं उस मकसद में उनको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। नाक भी रगड़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ पूरे तौर पर गोलबंद है, और हाल के दिनों में तो गोलबंदी और बढ़ गई है, तो इस गोलबंदी को देखते हुए लोग परेशान हैं, और उस परेशानी के कारण आ रहे हैं तो आते रहे। सुशील मोदी कह रहे थे कि अमित शाह जो है अब नालंदा भी जाएंगे, नीतीश कुमार से दो दो हाथ करने को तैयार है। अरे भाई, कुश्ती लड़नी है क्या कि दो दो हाथ करने को तैयार? जिस रूप में करना हो कर लेना, इंतजार करें, अब तो चुनाव आएगा, चुनाव में फरिया लेंगे, वो नालंदा जाए कहीं जाए उससे क्या फर्क। बीजेपी लोग चैलेंज भी दे रहे हैं कि हिम्मत है तो अभी बिहार में चुनाव करा के दिखाइए। बीजेपी अगर कह रही है कि अभी चुनाव करा के दिखाइए तो उनकी शर्त को हम लोग मान लेंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होना है, सब लोगों को मालूम, तो लोकसभा का चुनाव पहले करा दें, उसके तुरंत बाद विधानसभा भी हम लोग करा देंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि जो है क्या सुशील कुमार मोदी नालंदा जा रहे हैं तो कुश्ती करेंगे क्या, जिस तरह से आज अमित शाह जो है बिहार दौरे किए, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि कोई नहीं, बिहार है तो आने के लिए किसी को मना हो रही है। नित्यानंद राय ने भी जिस तरह से कहा था कि विधानसभा चुनाव करा लें हम बता देंगे, इसको लेकर उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि पहले तो वो लोकसभा चुनाव करा लें, उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव भी हो जाएगा और दिखा भी देंगे क्या कुछ है। तो अभी तक के लिए इतना ही, लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।